क्वेश्चन नंबर वन में आर टू इंडक्टर, आर वन बैटरी, वाई और जेड। सबसे पहले क्या किया, एक्स इज ज्वाइंट टू जेड। जब एक्स और जेड को जो नहीं एक्स इज ज्वाइंट टू वाई, सॉरी ऐसे, तो इंडक्टर में एनर्जी भर गई हाफ एल आई स्क्वायर, और आई की वैल्यू स्टेडी स्टेट पे बहुत देर तक ज्वाइन करके रखा ई बाय आर वन। इंडक्टर का कोई रोल नहीं स्टेडी स्टेट में, तो आई की जगह ई बाय आर वन। अब वो कह रहे हैं कि इसमें एनर्जी कितनी भर गई, इतनी एनर्जी भर गई, फिर आपने इसको डिस्कनेक्ट करके जेड के साथ जोड़ दिया। जब जेड के साथ जोड़ा तो रेजिस्टर ने कितनी हीट निकाली, जितनी इंडक्टर के पास थी वही हीट आंसर सीमा। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले अभी किया ही था। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है हाफ इन टू पी इन टू टाओ स्टडी स्टेट में, ऑलरेडी पिछली शीट का ही क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन नॉन मेडिकल प्लीज, एक्सपोनेंट है। एट टी इज इक्वल टू जीरो एन इंडक्टर ऑफ जीरो रेजिस्टेंस इज ज्वाइन टू अ सेल ऑफ ईएमएफ ई थ्रू अ रेजिस्टेंस। इंडक्टर आर के साथ कनेक्टेड है, एल और आर का कॉम्बिनेशन है। करंट इंक्रीजेज विद अ टाइम कॉन्स्टेंट टाओ, ईएमएफ आफ्टर टाइम टी क्या होगी। आज हमने क्वेश्चन किया इंडक्टर में करंट कैसे ग्रो करता है ऐसे, और उसने क्या पूछा ईएमएफ कितनी डेवलप हुई, तो तुम एल डी आई बाई डी टी में आई की पूरी वैल्यू पुट करके डिफ्रेंशिएट कर देना, आंसर आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन मत जाओ। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मेडिकल के लिए नहीं है, नॉन मेडिकल वालों को समझ में आ रहा है। आई का फंक्शन पता है, और यहाँ पे एल डी आई बाई डी टी में आई को पुट करके डी आई बाई डी टी की डिफ्रेंशिएशन आंसर देगी। प्रीवियस क्वेश्चन में आफ्टर व्हाट टाइम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल बी इक्वल टू दैट ऑफ रेजिस्टर। अब पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर में तो ये आ गया पिछले पार्ट में, रेजिस्टर में क्या होगा, रेजिस्टर में होगा आई इन टू आर, लेकिन आई तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, तो रेजिस्टर का और इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट करके निकाल लेना, अपना मैक्स टाइम निकाल लेना, लॉग में आएगा, मेडिकल के लिए नहीं है। तो समझ में आ रहा है यहां तक, मैथ्स है पूरा इन्वॉल्व इसमें। व्हेन अ कॉइल कैरिंग अ स्टेडी करंट इज शॉर्ट सर्किट, द करंट इन इट डिक्रीज इज, शॉर्ट सर्किट का मतलब कि करंट उसमें डिक्रीज कर रहे हैं, और करंट कितना हो गया बाय ईटा टाइम इन टाइम टी नॉट। तो पहले करंट आई नॉट था, फिर कम हो रहा था, और करंट कितना हो गया आई नॉट बाई ईटा हो गया। आपको बताना है टाइम कॉन्स्टेंट क्या है। जब करंट डिक्रीज होता है इंडक्टर में तो फॉर्मूला आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाओ, और तुम्हारा करंट कितना हो गया आई नॉट बाई टाओ, सॉल्व कर लेना टाइम आ गया भाई। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, यही होता है ना डिके ऑफ करंट में, डिके ऑफ करंट में करंट कितना हो गया आई नॉट बाई टाओ आंसर। जैसे व्हेन अ कॉइल इज ज्वाइन टू अ सेल, करंट इन इट ग्रोज विद टाइम, करंट ने ग्रो किया इंडक्टर में, कॉइल इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सेल, द करंट हैज रीच द स्टेडी स्टेट वैल्यू, आई नॉट करंट है अभी, एंड इट इज एन शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब डिके ऑफ करंट स्टार्ट हो गया, करंट विल नाउ डिक्रीज विद टाइम, आफ्टर द कॉइल इज शॉर्ट सर्किट द एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल डिक्रीज विद द टाइम कॉन्स्टेंट वॉट। पहले कहता जी आई नॉट करंट कर दिया, फिर डिके शुरू कर दिया, डिके करते हुए एनर्जी जो का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर, आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी डिक्रीज हो रही है मेडिकल में नहीं आएगा, माइनस डी बाई डी टी। ई एम एफ की वैल्यू क्या होती है, ये रही, इस ई की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी आई बाई डी टी आएगा, और आई की वैल्यू डिके करते हुए क्या होती है आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाओ। कैलकुलस लगा के आंसर आएगा, मतलब पहले आपने ये लगाया, फिर आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करते हुए आई आया, फिर आई डीके में फॉर्मूला क्या होता है आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाओ आंसर आएगा। खुद करके देखना, ये ऐसे आएगा नहीं, हिंट दे रहा हूं सिर्फ। अब मेडिकल वालों के लिए भी है, आपके पास एक एल और सी है, कोई बैटरी नहीं है, तो ये एल सी ऑसिलेशन का क्वेश्चन है। एल और सी कनेक्टेड है, आपने स्विच को बंद कर दिया और आपने कैपेसिटर को चार्ज देके छोड़ दिया, तो अब कैपेसिटर अपनी एनर्जी किसको देगा, इंडक्टर को, इंडक्टर किसको देगा कैपेसिटर को। क्या बताना है मैक्सिमम करंट क्या होगा ये बताओ। पहले एनर्जी किसकी फॉर्म में थी, कैपेसिटर Q2 बाई टू सी,
फिर वो सारी एनर्जी किसको मिल गई, इंडक्टर को। सारी एनर्जी इंडक्टर को मिली तो करंट मैक्स हो गया हाफ एल आई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई निकाल लेना आंसर, कुछ भी नहीं करना। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंडक्टर, इक्वेट करके आई की वैल्यू आ गई आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन अ चार्ज्ड कैपेसिटर इज मेड टू डिस्चार्ज थ्रू इंडक्टेंस, तो कैपेसिटर इंडक्टेंस के साथ कनेक्टेड है। चार्ज क्यू ऑन द कैपेसिटर एंड करंट आई इन द इंडक्टर वेरी साइनोसाइडली, फेज डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड आई इज इक्वल टू व्हाट। ये फिर से एलसी ऑसिलेशंस का ही काम है, क्योंकि वो कह रहे हैं कैपेसिटर है और इंडक्टर है, कैपेसिटर इंडक्टर से डिस्चार्ज होते हैं तो एलसी ऑसिलेटर है। एलसी ऑसिलेशन में अगर चार्ज क्यू नॉट साइन ओमेगा टी है, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो करंट किस में आएगा, कॉस में आएगा, ठीक है। या फिर अगर चार्ज कॉस में लेना है, डिफ्रेंशिएट करके करंट किस में आएगा, साइन में, तो डिफरेंस पाई बाय टू का है, तो पाई बाय टू फेज डिफरेंस है। चार्ज कैपेसिटर डिस्चार्जेस थ्रू अ रेजिस्टर आर, आरसी सर्किट है, डिस्चार्जिंग हो रही है। द टू आर नाउ प्लेस्ड इन सीरीज अक्रॉस एसी सोर्स, पहले आर और सी को डीसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया होगा, डिस्चार्जिंग हो रही है, फिर इन्हें एसी के साथ ज्वाइन कर दिया। ओमेगा वन बाय टाऊ है, इम्पिडेंस निकालनी है। केस नंबर टू में दोनों एसी के साथ कनेक्टेड हैं, और अगर एसी के साथ कनेक्टेड है तो इम्पिडेंस क्या होगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, यही होगी। प्रॉब्लम क्या है, टाऊ क्या होता है, आरसी, आरसी सर्किट में टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है, आरसी, और आपको क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, ओमेगा इज इक्वल टू वन बाय टाऊ, ओमेगा वन बाय टाऊ है, तो ओमेगा वन बाय टाऊ का मतलब ओमेगा वन बाय आरसी है। यहां से आर की, यहां से सी ओमेगा क्या आएगा, वन बाय आर, या फिर वन बाय सी ओमेगा क्या आएगा, आर, वन बाय सी ओमेगा की जगह आर आंसर, खेल खेल रहा है इंपिडेंस के, ठीक। और इसमें इलेक्ट्रिक लैम्प डिजाइन फॉर ऑपरेशन ऑन 110 वोल्ट एसी कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एसी, कह रहे 110 वोल्ट पे लैम्प ने चलना था, 220 पे चला दिया, और साथ में इंडक्टर लगा दिया, चोक लगा दी, और चोक की इंडक्टेंस है 2 हेनरी। अगर वो कह रहे कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी एसी की इतनी रखनी है, कैपेसिटर को यूज करना है इन प्लेस ऑफ इंडक्टर, तो मैं क्या करूँ, ओमेगा क्या रखूँ, अस कैपेसिटर क्या रखूँ, मतलब सारा क्वेश्चन सेम है। वो कह रहा है जी मेरे को इंडक्टर की जगह कैपेसिटर लगाना है, इंडक्टर कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था, एल ओमेगा, कैपेसिटर कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, एक्स सी, तो अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी फिर तुम इंटरचेंज यूज कर सकते हो, तो इन्हें इंटरचेंज करके सी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। इलेवेंथ में रेजिस्टेंस आर ड्रॉज द पावर पी व्हेन कनेक्टेड टू एसी सोर्स, तो रेजिस्टेंस आर लगी हुई है और पावर कंज्यूम पी है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ई स्क्वायर आर, पी इज इक्वल टू ई आर एम एस स्क्वायर बाय आर। अब वो कह रहे हैं इंडक्टर को भी लगा दिया सीरीज में, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, तो नई पावर आ गई, कॉस फाई पावर फैक्टर क्या होता है, आर बाय जेड, और आई आर एम एस क्या होता है, ई आर एम एस बाय जेड। तो यहां से क्या आ गया, ई आर एम एस का स्क्वायर यहां से आएगा आर इंटू पी, तो ई आर एम एस स्क्वायर की जगह आर इंटू पी यहां से आंसर आएगा। ओके, दो फॉर्मूले लगाने हैं, पहला पावर का फॉर्मूला ई स्क्वायर बाय आर, रेजिस्टर में तो सिंपल है, फिर एल आर सर्किट में ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, कॉस फाई को आर बाय जेड, इनको सॉल्व करके नई पावर की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। और लास्ट टू क्वेश्चंस, जिसके अंदर इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर ज्वाइंड इन सीरीज, तो एल है और सी है सीरीज में है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सी इज ग्रेजुअली इंक्रीज, ओमेगा को मैं बढ़ा रहा हूँ, फेज डिफरेंस फाई कैसे प्लॉट करोगे, टेन फाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर, इस क्वेश्चन में एल है सी है आर है ही नहीं, अगर आर है ही नहीं डिनोमिनेटर जीरो, टेन फाई जीरो, टेन फाई इन्फिनिटी, तो फाई क्या आएगा, प्लस माइनस पाई बाई टू, क्योंकि पाई बाई टेन पाई बाई टू इन्फिनिटी होता है, तो या तो प्लस पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम है तो एक्स सी बड़ा है एक्स एल से, एक्स सी बड़ा है एक्स एल से, तो आपका फाई नेगेटिव है, याद करो एल सी आर में फाई नेगेटिव का मतलब नेट वोल्टेज नीचे बनती है,
और अगर आपका एक्स एल बढ़े वी एल बढ़े तो आपका पैरलोग्राम में फाइव नेट वोल्टेज ऊपर बनता था, फाइव पॉजिटिव होता था। पाई फाइव पॉजिटिव का मतलब पाई बाई टू, क्योंकि आंसर या तो प्लस पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू आएगा। तो या तो माइनस पाई बाई टू आएगा या प्लस पाई बाई टू आएगा, तो कॉन्स्टेंट दो ही वैल्यूज हैं और कोई वैल्यूज ही नहीं, आंसर है आंसर ही नहीं और कोई, क्योंकि आंसर में आर नहीं है ना, आर नहीं है तो या तो आंसर प्लस पाई बाई टू आएगा या माइनस पाई बाई टू आएगा, तो फिर दो ही आंसर है और कोई आंसर है ही नहीं, तो ए ऑप्शन है। और लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर करंट आई इन दी सर्किट इज प्लॉटेड अगेंस्ट ओमेगा, अब मैं आई प्लॉट करना चाहता हूँ तो कौन सा बेस्ट ग्राफ है। देखो जो करंट होता है वो ई बाई जेड होता है, इस क्वेश्चन में आर तो है नहीं, तो जेड क्या होगा, एक्स एल माइनस एक्स सी। अब एक ऐसी फ्रिक्वेंसी भी आएगी जो रेजोनेंस होगी, जिसमें दोनों बराबर होंगे, जेड जीरो होगा, करंट इनफाइनाइट होगा, तो ये वो फ्रिक्वेंसी है जब करंट नॉट डिफाइंड है, तो यही ग्राफ बनेगा और कोई ग्राफ ही नहीं बन सकता, बाकी सब में डिफाइंड है।